Thank you, Samdhani ji. Next, Jamyak Nagmel ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का जो अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस बिल को जो संसद में लाया, इसका स्वागत करने के लिए और इसको समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करके एस्टेब्लिश जो करने जा रहा है, जिसका नाम समाकर सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाएंगे, देश के 8.6% पॉपुलेशन जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, हम सब की ओर से स्वागत करते और धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इस 9 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ किया। मैं एक एक को दोहरा के पूरा स्पीच लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक फोकस्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करके जनजाति समुदाय को हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, जिस तरह अभी मेरे से पहले तपिर गांव साहब बता रहे थे, हम सब यही चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर है, ट्रेडिशन, पहचान, उनके बारे में तो स्टडी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, दुनिया लेवल के एजुकेशन ट्राइबल कम्युनिटी को मिले और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी उसमें आके ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करें, ये हम सब चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम मां समाकर सराका देवी जी के नाम से रखे हैं और हम सब इसका धन्यवाद देते हैं। इससे पहले जो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से मनाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, जिसके जरिए भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रेरणा सभी ट्राइबल कम्युनिटी को देते हुए और इस देश में ट्राइबल कम्युनिटी के, चाहे फ्रीडम फाइटर हो या इस देश को बनाने में हो, ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को संवारा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 9 साल में ट्राइबल कम्युनिटी के उन्नति के लिए, विकास के लिए 2014 से 2023 तक 4495 से लेके 12462 करोड़ रुपए के बजट केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा खर्च करके, चाहे वो लोअर एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, बहुत कुछ किया। मैं लद्दाख से आता हूं। लद्दाख जो कि पूरा पॉपुलेशन 96% जो है ट्राइबल कम्युनिटी आते हैं, उसमें मेजर 8 ट्राइब्स जो हमारा आते हैं केवल अर्गोन कम्युनिटी को छोड़ के, तो पूरे लद्दाख के कम्युनिटी भी चाहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी भी चाहते हैं कि उनको अच्छा शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिसको ध्यान में रखते हुए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में अलग से बिल लाके हमें दिया, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख दिया, उसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इतने काम जो है अभी लद्दाख के ट्राइबल कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए हो रहा है। साथ ही साथ मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, लद्दाख के किसी भी इस एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना बहुत जरूरी है। मैं ये आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साथ विशेष रूप से लद्दाख के अलग अलग ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करे, रिसर्च करे, उस पर उनके उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के चेंजेस में क्या होना चाहिए, उसमें ट्राइबल का क्या योगदान होना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। मैं ये भी मांग करना चाहता हूं, लद्दाख में जिस तरह मैंने बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज काफी है, उसमें से कुछ कम्युनिटी बहुत कम पॉपुलेशन में है, जैसे कि हमारा आर्यन कम्युनिटी हो, शिन्ना कम्युनिटी हो या बल्ती कम्युनिटी हो, ये खत्म होने के तादाद पे है, पॉपुलेशन बहुत कम है,
और आर्यन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है आर्यन, पूरे देश दुनिया से बहुत सारे टूरिस्ट उनको अलग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं वो अलेक्जेंडर का डिसेंडेंट है, उनका अलग अलग इतिहास है। और ये इसको बचाए रखने के लिए, उनके पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, उनके भाषा को, उनके पहचान को, उनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए ट्राइबल रिसर्च सेंटर लद्दाख में होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लद्दाख के इन ट्राइबल कम्युनिटीज को जो खत्म होने के तादाद पे है, जो वल्नरेबल है, इनको यूनेस्को में जो है इंटेंजिबल हेरिटेज के नाम से घोषित करें और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की ओर से स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है। और पूरे हिमालयन क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, ज्यादातर बोटी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा बोटी भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी के जो भाषा है, दादी आर्या हो, शिन्ना हो, बल्ती हो या पुरकी हो, ऐसे जबानों को भी प्रमोट करने की जरूरत है, प्रिजर्व करने की जरूरत है। मैं ये आपके माध्यम से मांग रखना चाहूंगा। शिक्षा के बात हो रहा है तो मैं बात जरूर जिक्र करना चाहूंगा, एग्लाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का विषय है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि पहले इसका एग्लाविया, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, एग्लाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल देश में बहुत बड़ा के उनमें स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन नया एग्लाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने में जो क्राइटेरिया रखा है उसमें हिली एरियाज के लिए एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन होना होगा। सर ये हिली एरियाज में असंभव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब है, उनके वहां एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें 5-6 हजार पूरे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है। अब एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन हम कहां से लाएंगे? मेरे लद्दाख के जंस्कर क्षेत्र में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, टोटल पॉपुलेशन 13,000 है। मेरे नुब्रा में टोटल 13-14 हजार पॉपुलेशन है, वहां पे 3 ब्लॉक है। अब हम चाहते हैं उस एरिया में जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, हमारे आर्यन वैली में, हमारे दरास में, यहां पे ये एग्लाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए पॉपुलेशन का संख्या का जो योग्यता रखा है वो कभी फुलफिल नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी जो है इस एग्लाविया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से वंचित रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसका क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स करके पॉपुलेशन का संख्या कम करें। सर लास्ट एक बहुत जरूरी पॉइंट है, सर एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा जल्दी। सर ट्राइबल कम्युनिटी के जब हम बात करते हैं, लद्दाख में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, चंगतांग, नुब्रा और काराकोरम, जिसमें अभी वो बनने के प्रोसीजर में है। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1987 द्वारा लाया गया है, जो अभी फाइनल स्टेज पे भी नहीं हुआ है, फाइनल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के, ये मुझे लगता है IFS और IAS के ही झगड़ा है, जिसके वजह से हमारे लोग सफर कर रहे हैं। सर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ सर, बट डिमांड तो रखने दीजिए ना सर, इसका डिमांड रख लेता हूँ, कोई पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, पूरा डिमांड रखूंगा। सर हिमिस नेशनल पार्क का टोटल एरिया जो है 3,350 है, जिसको ग्राउंड पे 5,000 को रखा है, 4,000 हमारे चंगतांग, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर चंगतांग कोल्ड रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ग्राउंड पे 18,000 को कैप्चर करके रखा है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 15,000 स्क्वायर किलोमीटर ग्राउंड पे कैप्चर करके रखा है। केवल वहां के रेजिडेंट को नहीं, डोमिसाइल को नहीं, इंडिजीनियस को नहीं, बल्कि देश के स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमें दिक्कत हो रहा है सर, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा इसको रेशनलाइज करें, और जहां जहां ह्यूमन हैबिटेशन है वो सारा एक्सक्लूड करके एजुकेशन शिक्षा में हमें आगे बढ़ने का मौका दे, इकोनॉमिक अफेयर्स में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। श्री एस टी हसन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।